सिलसिला गुफ्तगू मनो तू के सिलसिले में मैं आज आपके सामने हूँ। हमारा आज का मौजू ये है कि मज़हब और सियासत पर बात होनी भी चाहिए या कि नहीं होनी चाहिए। हमारा अमूमी रवैया ये है कि हम आम तौर पर जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहाँ बड़ी शिद्दत के साथ इन दोनों मौजूआत पर पाबंदी लगा दी जाती है। और मैं अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ जगहों पर जाता हूँ या मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जाने का इत्तफाक होता है तो मुझे एक जुमला कसरत से सुनने को मिलता है कि भाई मज़हब और सियासत पर गुफ्तगू करना मना है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ये सबसे बड़े मौजूआत हैं। मज़हब और सियासत का ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा है और एक का ताल्लुक इंसान की रूहानी उसकी फिक्री और उसकी जज्बाती ज़िंदगी के साथ है और एक का ताल्लुक इंसान की समाजी माशरती और ख़ारजी दुनिया के साथ बड़ा गहरा है। इन दोनों मौजूआत से हम बच नहीं सकते और ये इतने बड़े मौजूआत है कि इसने पूरी ज़िंदगी को अपने घेरे में लिया हुआ है। मगर इसके बावजूद भी इन दोनों पर गुफ्तगू करने के हवाले से मना कर दिया जाता है। मैं आमतौर पर लोगों से कहता हूँ कि अगर मैंने किसी शख्स को परखना हो और किसी शख्स को जांचना हो तो मैं इन्हीं दोनों मौजूआत के हवाले से ना उसकी पहचान करता हूँ। मेरे पास किसी भी शख्स को पहचानने का अगर कोई पैरामीटर है या कोई पैमाना है या स्केल है तो फिर यही दो मौजूआत हैं। मैं इन्हीं दो मौजूआत के हवाले से किसी भी इंसान की मेंटालिटी को, उसके मिजाज को और उसके टेम्परामेंट को परखता हूँ। मैंने किसी शख्स को जांचना हो कि ये शख्स कितना ज़्यादा सेहतमंद है या कितना ज़्यादा बीमार है तो मैं आम तौर पर थोड़ी सी देर के लिए आर्जी तौर पर अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए उसके एंटी एक नज़रिया अख्तियार कर लेता हूँ ये देखने के लिए कि शख्स के अंदर कितनी बर्दाश्त है। और आप यकीन करें मैं हैरान रह जाता हूँ कि इन दोनों मौजूआत के हवाले से न जाने क्यों लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और उनकी ज़रा सा आपने इख्तलाफ किया, आपने उनकी राय से हटकर एक राय कायम की तो मैंने देखा कि लोगों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, कान लाल हो जाते हैं, मुट्ठियाँ वो भींच लेते हैं। तो इस तरह का रवैया जो है वो मुझे देखने को मिलता है और इससे जो है वो मैं परख लेता हूँ कि ये शख्स जो है किस दर्जे पर पहुँचा हुआ है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जो है एक एजुकेशन के पेशे से वाबस्ता हूँ और एक एजुकेशन प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ और हमें बताया जाता है या कदगल लगा दी जाती है कि आपने इन दोनों मौजूआत पर बात नहीं करनी और मैं कोशिश भी करता हूँ कि इन दो मौजूआत से बचा रहूँ, इन दोनों मौजूआत पर बात ना करो। मगर फिर भी मैंने अगर किसी शख्स को परखना हो तो फिर मैं इन मौजूआत पर बात करके ना उसका मिजाज चेक कर लेता हूँ। मेरा मानना ये है कि इन दोनों मौजूआत पर खुली इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि इसी से जो है हमारा वियन आगे बढ़ता है, हमारी सोच आगे बढ़ती है, हम एक दूसरे को बात समझा सकते हैं। न जाने क्यों ऐसा है कि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं या जिस माशरे का हिस्सा हैं वहाँ यही दो मौजूआत ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मौजूआत समझे जाते हैं। लोग पता नहीं इसकी अहमियत को क्यों नहीं समझते। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इन दोनों मौजूआत पर मुकम्मल और खुली आज़ादी होनी चाहिए थी कि लोग अपने अपने अंदाज में और अपने अपने तरीके से जिसकी जो सोच है या वो सोच या फहम के जिस मकाम पर है तो या चीज़ों को उसने जिस तरह देखा समझा जाना है
उसे इजहार करने का पूरा हक दिया जाए, वो अपनी बात कह सके, मगर ऐसा है नहीं। जब भी आप अपना नुक्ता नज़र या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करते हैं, दूसरे चिरागपा हो जाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने समाज को, हम अपने माशरे को उस तरह उसकी तरबियत नहीं कर पाए कि जैसे हमें उसकी तरबियत करनी चाहिए थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यहाँ इख्तलाफ राय का मतलब दुश्मनी इख्तियार करना है। आप जैसे ही किसी शख्स के साथ इख्तलाफ राय रखते हैं, आप एक दूसरा नुक्ता नज़र रखते हैं, वो आपको मशकूक नज़रों से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो आपके साथ बात करना पसंद नहीं करता और वो उठ के चला जाता है। तो न जाने ये कैसा इल्मी रवैया है, हम कब इस कदर मैच्योर होंगे कि दूसरों के नुक्ते नज़र को समझ सकेंगे, दूसरों की राय का एहतराम करना सीखेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या खामी रह गई है कि जो हम अपनी जदीद जनरेशन को या अपने लोगों को जो है वो बर्दाश्त करना सिखा नहीं पाए। बहरहाल ये एक सोचने का मकाम है या गौर करने का मकाम है, हमें बहरहाल इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और आज का मौजू भी यही था कि मैं जो है वो मज़हब और सियासत की अहमियत को वाज़े करो। और मज़हब और सियासत, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी ज़िंदगी के बहुत बड़े मौजूआत हैं और हमारी ज़िंदगी का इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, मगर आप यकीन कीजिए हमें इजाज़त देना होगी कि लोगों को इसके ऊपर बात करें। मैंने बड़े बड़े लोगों को इन्हीं दोनों मौजूआत के हवाले से ना उलझते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है और ताल्लुकात को टूटते हुए देखा है। पुराने पुराने दोस्त जो है वो इन दोनों मौजूआत पर जब बात करने लगते हैं तो जब जैसे ही इख्तलाफ राय उनके यहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी दोस्तियाँ टूट जाती हैं, उनके ताल्लुक आपस में ख़राब हो जाते हैं, यहाँ तक के खूनी रिश्ते भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है। पिछले दिनों मैंने एक दोस्तों का गहरे दोस्तों का, बचपन के दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप था और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ मौजूआत पर बात चलती रही, होती रही। जैसे ही सियासत पर गुफ्तगू होती थी, बहुत से लोग नाराज़ हो के जो है वो ग्रुप छोड़ के चले जाते थे, या मज़हब पे अगर कोई बात हो जाती थी तो फिर एक दूसरे के साथ उलझ के वो ग्रुप छोड़कर चले जाते थे। अगर पढ़े लिखे लोगों का भी यही रवैया है तो फिर आम लोगों का रवैया क्या होगा? ये वो इशू है, ये वो मसला है कि जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को और अपनी न्यू जनरेशन को ये सिखाना होगा कि भाई दूसरे का जो नुक्ता नज़र है वो भी काबिल एहतराम है और वो अपने तौर पर चीज़ों को जिस तरह देख रहा है उसे मौका दिया जाना चाहिए कि वो चीज़ों को समझे। अगर आप हक पर हैं और आप ये समझते हैं कि आपका जो नज़रिया है, वो आपका जो अकीदा है और आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपको पूरा हक है ऐसा समझने का, मगर दूसरे को आप वक्त दें और उसे जानने का मौका दें कि वो आपकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करे, उसे अपना नुक्ता नज़र ज़रूर वाज़े कीजिए, बल्कि दूसरे को भी नुक्ता नज़र और अपना ख्याल बयान करने का मौका दें ताकि वो भी अपनी समझी गई सच्चाई को आपके सामने रख सके। ये बात अपने तौर पर एक अटल हकीकत है कि दुनिया में दायमी और अटल और हकीकत तो कहीं है नहीं। ये खोज और जस्तजू का एक सफ़र है जो हम सब उसी सफ़र के मतलाशी भी हैं और मुसाफिर भी हैं, और एक खोज है, इल्म का एक सफ़र है कि जो हमने तय करना है, और ये हमारी मौत तक ये सफ़र जारी रहता है। दुनिया में हतमी और आखिरी सच्चाई इंसान अपनी ज़िंदगी में तो कम अज़ कम नहीं हासिल कर पाता, वो सारी ज़िंदगी इसी तरह सीखता चला जाता है और समझता चला जाता है।
मगर ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज़ को जान लेते हैं, हम जब किसी चीज़ को पहचान लेते हैं या हम किसी चीज़ के बारे में एक नज़रिया कायम कर लेते हैं, तो बस फिर हम ये समझते हैं कि शायद यही आखिरी सच है, यही आखिरी एक सदीकत है, आखिरी एक सदाकत है कि जिसे मैंने पा लिया है। उसकी बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात ख़राब कर बैठते हैं, और उसी की बुनियाद पर हम अपने जो है वो रिश्तों को खो बैठते हैं। तो ये एक रवैया है कि जिसको समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है और जिस पर तवज्जो करने की बहुत अहम ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि लोगों को इजाज़त दे देनी चाहिए, लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी बात कह सकें, आपको अपने दिल की बात कर सकें, और उनकी जो जो वाबस्तगियाँ हैं, जो जो एफिलिएशन है, उन्हें इजहार करने का मौका दिया जाना चाहिए। तभी जाकर हम एक ऐसी सोसाइटी और एक ऐसे मुआशरे का जो है वो कयाम अमल में ला पाएंगे कि जो अमन का गहवारा होगा।